नमस्कार। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू होने वाला है। छठ में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ के तीसरे दिन जो है लोग छठ घाटों पर पहुंचते हैं, कोई तालाब जाता है, कोई नदी जाता है, इसलिए हम इस वक्त बड़ा तालाब पहुंचे हुए हैं। ये देखिए बड़ा तालाब का जो है इस वक्त का ये नज़ारा है, और लोग जो हैं इस पर्व में साफ सफाई का ध्यान विशेष कर रखते हैं, इसलिए उनके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम जिस छठ घाट में पहुँचेंगे वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखा गया है या नहीं। तो जहाँ हम इस वक्त पहुँचे हुए बड़ा तालाब में, आप देखिए यहाँ का नज़ारा, पानी देखकर लग रहा है कि साफ़ सफाई कर दी गई है। जो बड़े कचड़े होते हैं उनको तालाब से निकाल दिया गया है, लेकिन जो अभी भी छोटे छोटे कचड़े होते हैं, जैसे क्योंकि दिवाली अभी तुरंत ही बीती है, तो दिवाली के बाद लोग मूर्तियों के जो अवशेष होते हैं या फिर जो मूर्तियां होती है उनको कोशिश करते हैं कि इसी बड़ा तालाब में विसर्जित वो कर दें, क्योंकि ये बीच में मुख्य मार्ग में पड़ता है, तो लोग यहाँ से गुजरते वक्त भी अपने घरों की मूर्तियाँ यहाँ विसर्जित कर देते हैं। तो मूर्ति में जो मिट्टियाँ होती है वो गल जाती है, लेकिन जो कपड़े होते हैं, जो फूल मालाएँ होती है, वो जो है ऊपर पानी में छन कर आ जाता है, इससे तालाब जो है वो गंदा हो जाता है और गंदा दिखने लगता है। ऐसे में जो सफाई कर्मी हैं, अभी यहाँ पर एक सफाई कर्मी थे, उन्होंने जानकारी दी है कि अभी तक की सफाई हो गई है, और अभी आप देखेंगे एक जाली नुमा बैरिकेडिंग जो है आपको दिख रहा होगा। ये बैरिकेडिंग उन्होंने बताया है कि इसलिए लगाई गई है ताकि छठ व्रती जो है इसके उस पार ना जा पाए, तो उससे बैरिकेडिंग से साफ संकेत यही मिल रहा है कि इसे छठ व्रतियों के लिए ही लगाया गया है। ऐसे में दुर्घटना के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। हालांकि ये एक बात तो तय है कि इस बैरिकेडिंग से लोग उस पार नहीं जाएंगे तो दुर्घटनाएं नहीं ही होगी, लेकिन फिर भी जो टीम होती है एनडीआरएफ की टीम या फिर जो गोताखोर की टीम होती है वो कम ही संख्या में, लेकिन यहाँ बड़ा तालाब में मौजूद जरूर रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो तो लोग तुरंत ही मामले को संभाल सके। और अभी पानी को आप देख रहे होंगे थोड़ा हरा दिख रहा है, जलकुंभियों को साफ कर दिया गया है, सारी जलकुंभियाँ जो है हटा दी गई है, लेकिन पानी में अभी हरापन है और कुछ गंदगियाँ अभी भी है। तो हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि साफ सफाई नहीं हुई है, हो गई है, लेकिन जो कुछ और गंदगियाँ हैं हो सकता है एक या दो दिन में इसे ब्लीचिंग पाउडर जो है डालकर वो छिड़काव कर दिया जाएगा और साफ़ कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप निश्चिंत होकर बड़ा तालाब जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि लगभग साफ़ सफाई हो गई है और बैरिकेडिंग से ये भी संकेत मिल गया है कि सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं है। तो आप यहाँ बड़ा तालाब में, क्योंकि बड़ी संख्या में आप लोग इस आस्था के पर्व को मनाने पहुँचते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देने पहुँचते हैं, तो ये दिन जो है बहुत ख़ास है हम सभी लोगों के लिए जो भी इस पर्व में आस्था रखते हैं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। तो आप सभी बड़ा तालाब में जो है वो छठ मनाने आ सकते हैं शाम वाले अर्घ के दिन, सुबह वाले अर्घ के दिन। अभी तक का नज़ारा जो है देखकर ठीक ठाक लग रहा है, एक दिन के बाद हो सकता है और ज़्यादा साफ सफाई जो है छठ तालाब में, बड़ा तालाब में कर दी जाएगी। The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in